बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गपशप में खुश आमदेद। मैं फारूक फैसल खान और मियां सुहेल इकबाल की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुबारक हो भाई। किस चीज़ की अल्लाह का खैर करे, मुबारक किस चीज़ की दे रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम जीत गई है, कोई सऊदी अरब को जीत गया फुटबॉल। मैं तो सजीदी को गई और सऊदी अरब वाला अगर आप बात करोगे फुटबॉल जो है, आपने तो मुझे कहा था 40-0 होएगा, वो 4-0 हुआ है। उन्होंने अपनी पूरी टीम भी नहीं खिलाई और वैसे ही उन्होंने लिहाज रखा। देख रहा जो वर्ल्ड कप की विनर टीम थी अर्जेंटाइन, जो भी गुजरा फाइनल, जो पहला मैच था, पहला मैच ही सऊदी अरब ने हारे गए अर्जेंटाइन को। सऊदी अरब की फुटबॉल काफी तरक्की कर चुकी है, अल्लाह करे अब भी जगह तक पहुंच सके। अभी जाएंगे यार मैच देखने, जरूर जाना। अभी सऊदी अरब की टीम ने इधर खेलने आना है, अगले साल आना है। हाँ जी, वो काफी लंबा है, 1-2 महीने बाद नहीं आना है यार। मसला ये है कि कंबोडिया तो खेल गया आपके यहाँ, लेकिन सऊदी उस लेवल का आपके पास ग्राउंड ही नहीं है, उसकी मेंटेनेंस ग्राउंड है तो मेंटेनेंस नहीं है। और अभी वो मतीउल्लाह जान ने आज बहुत अच्छा फुटबॉल के लिए लिखा था, तो मैंने उसी से ये देखा कि वो फ्रंट लाइट्स भी जो है वो आर्मी में यार की नहीं है। ये जो जिना स्टेडियम इस्लामाबाद जो है, ये अच्छा? ये हालत है। चाइना ने बनाया, पर मैं मुबारक दे रहा था जनाब आपके बड़े हर दिल अजीज रहनुमा अल्लामा तारुल कादरी, पाकिस्तान अवामी तहरीक ने भी जो है ना इलेक्शन में हिस्सा लेने भी कोई ऐलान किया है, कोई अपना उनकी पार्टी ने ऐलान कर दिया है, उसकी मुबारक दे रहा था। तारुल कादरी के बारे में बताते हैं आगे चल के। अच्छा देखिए, ये आज तो कुछ नहीं, बड़ा अगला हफ्ता जो है ना वो बहुत अहम है जी, और उसमें नवाज शरीफ साहब की जो कानूनी रुकावटें रह गई हैं थोड़ी बहुत, उनकी अपीलों की समाप्त है, फिर आपके वो मज़ाहिर नकवी साहब का जो उनके खिलाफ जो चल रहा है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का वो चल रहा है, इमरान का अगला हफ्ता जो है ना, फिर पहला हाफ जो है ना काफ़ी 8 बजे से लेके 4 बजे तक जो है ना सुप्रीम कोर्ट ही है, वो स्लॉट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास ही है जी, टिकरों की जी हाँ, टिकर स्लॉट। ठीक है, एक तो ये हो गया, दूसरा जो है वो अमेरिकन जो है जो एम्बेसिडर है जी जी, वो काफ़ी अपना मुलाकातें करते फिर रहे हैं सियासी पार्टियों से। आज उन्होंने वो मुलाकात की है, नवाज शरीफ से भी की है और चाली यकीन हो गया ना कि इलेक्शन हो रहा है, उन्होंने मुलाकातें शुरू कर दी हैं, काफ़ी मुलाकातें हैं, क्योंकि सफारतकार काफ़ी सरगर्म हुए हुए हैं। जाहिर है कि उन्होंने भी अपने अपने साइफर भेजना होता है। और अब दावे हैं कि जी जेल के अंदर भी मुलाकातें जा रही है, वो पता नहीं, वो उसकी तो तरदीद आई है बड़ी, अपना गवर्नमेंट की तरफ से तरदीद आई है उसकी, ऐसी कोई बात नहीं है। और वाकई ये खबर तो छुप ही नहीं सकती है, मतलब एक जो है कोई इंटरनेशनल डेलीगेशन जो है आके वो अगर जेल में किसी को भी मिलेगा, खबर तो नहीं छुप सकती। कहाँ साहब, वो बाइडन पीटीआई का प्रोपेगेंडा और ये सारा जो है पीटीआई के सबका यही हाल है, एक एक क्रेडिट को दूसरा डिसक्रेडिट कर देता है, वो उसके फॉलोअर उसको लेकर चलते हैं। वो नहीं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से कि जी उन्होंने उलमा मशाइख के साथ जो गुफ्तगु कर रहे थे तो आगे वो प्रोपेगेंडा चल रहा था जिसपे सामने जो है बुलेट प्रूफ शीशा लगा हुआ था, हालांकि ऐसी कोई बात भी नहीं थी। वो तस्वीर में साहब आप देख सकते हैं, जो उसके वीडियोज भी आए हैं और जो तस्वीरें भी आई हैं उसमें आप देख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, मगर प्रोपेगेंडा करते हैं बस। ठीक है, वो सारे जो वहाँ पे गए हुए थे अब उन्होंने बोलना शुरू कर दिया ना कि ये झूठे हैं, ये कज़ाब है और ये जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं अपने नाज़रीन से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफा जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे व्लॉग बर वक्त देखने को मिल सके। तो जी खान साहब, अपना एक तो ये सफारतकार बड़े एक्टिव हुए हैं, ये किस एजेंडे पे होते हैं, ये क्या इनका क्या मसला होता है? देखे ना, अभी वो नवाज शरीफ से जो है, पहले वो जो एक अभी नई एम्बेसिडर आई है हमारी यूके की, ब्रिटिश एम्बेसिडर, वो मिली है कुछ चंद रोज पहले, आज जो है वो अमेरिकन एम्बेसिडर मिले हैं, तो ये क्या इंडिकेट क्या करता है, कुछ आपको समझ आती है? यार इन मुलाकातों में जाहिर है कि गुड विशेज का इजहार भी करते हैं,
और बाद गुफ्तगू भी करते हैं कि मतलब इलेक्शन वेल कैंडिडेट जितोगे ये पूछ तो उड़ गया असि तो बाहर लोगों को जो फीडबैक लिया उसके बीच तो वोट घट ले कैंडिडेट जितोगे उन्होंने सिर्फ कंसर्न अपने भी शो करने होते हैं और पूछना होता है कि जनाब आपकी माशी पॉलिसी क्या होंगी दफाई पॉलिसी किधर आपका इस तरह की तो वो माइंड रीड करने की कोशिश करते हैं। अच्छा उलट देते इन्होंने काफी है मिलने आ गए जनाब सारा कुछ उगल देते हैं और फिर बाद में जो है वो तीसर बातें बात सामने आती हैं वो साइफर जो है जब डीक्लासिफाई होता है तो फिर पता लगता है कि जनाब वो वजीर आजम साहब कह रहे थे कि जनाब अंपायर हमारा ये स्टांस होगा लेकिन हमारा अमल जो है मतलब इसराइल जो मर्जी करते रहो असि रोला पाते रहोंगे जो मर्जी करते रहो ये चीजें भी जो है ये बड़ी जो है इसमें अहम क्वेश्चन होगा उनका मुलाकातों के दौरान तो बार ये तो एक मतलब रूटीन की चीज है लेकिन ना वो उसको भी मिले हैं अपना यूसुफ रजा गिलानी साहब को भी मिले हैं और उनको मिले हैं जहांगीर तरीन को भी मिले हैं और मतलब ये नहीं उन्हें पता है कि पावर स्ट्रक्चर में कौन कौन है कौन कौन रास्ते में है। अगर देखा जाए कि अगर सिर्फ बड़ी पार्टी के लीडरों को मिलना होता है तो जहांगीर तरीन साहब के तमाम तरह तराम के बावजूद तो उनकी इतनी बड़ी पार्टी तो नहीं है ना वो तो भी नो मौजूद ही है अपना अभी अलग माँ का दूध पी रहे हैं नो मौजूद नहीं है नहीं पार्टी पार्टी जो है वो है बाल उनके सफेद हो गए ऐसी सारी रब्ताकारी और तंजीम साजी और तब्दीली और दिस एंड दैट के तरफ होंगे। अच्छा छोटो जी इन सारी गलत मुजाहरे उनका काम है उन्होंने मिलना है और सफीर इसीलिए होते हैं और अच्छी बात है कि मिल रहे हैं और कोई अहमियत दे रहे हैं और मुझे तो सबसे खुशी की बात ये लगती है कि यार उन्हें कंफर्म हो गया इलेक्शन हो रहा है चीफ साहब ने मना किया हुआ वहाँ पैदा नहीं करना इसका मतलब कंफर्म है। हाँ इलेक्शन तो कंफर्म है जी इलेक्शन के तो बारे में जो भी ऐसी बातें करते हैं मगर एक जो चीज़ है वो कल मैं सुन रहा था कौन कह रहा था टी वी पर मैंने सुना है ये अब हमारा जो है वो हमारी जो क्रिकेट है पाकिस्तान सुपर लीग PSL वो भी हमारी फरवरी में होनी है और इलेक्शन भी फरवरी में होने हैं। अब PSL जो है क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो कोशिश कर रहे हैं PSL के मैचेस जो हैं उनको दुबई शिफ्ट किया जाए ठीक है हाँ तो अच्छा उसका रीज़न वो क्या पेश करते हैं उसका रीज़न वो ये पेश कर रहे हैं सिक्योरिटी की वजह से भाई सिक्योरिटी तो पिछले साल PSL नहीं सिक्योरिटी की अब कौन सी सिक्योरिटी का मसला हो गया ना करो जी हाँ ये अपना ये वही कल आपने जवारी ग्रुप की बात की थी ना ये पक्का जवारी ग्रुप है ये जो इस किस्म की वारदातें करता है दुबई ये इसीलिए लेके जाना चाहते हैं क्रिकेट को पाकिस्तान में देखिए बड़ी मुश्किल से जो है पाकिस्तान में क्रिकेट आना शुरू हुई थी बहाल हुई थी PSL यहाँ पे होना शुरू हुआ है अब उसको जो है फिर जो है वो दुबई की तरफ ले जाना चाह रहे हैं वहां पर जरा जुआ शुआ जो है खुल के खेल लेते हैं अगर इतने लॉ एंड ऑर्डर का मसला है तो फिर ये तो बड़ी गलत बात है फिर इलेक्शन कैसे होंगे फरवरी में PSL है फरवरी में इलेक्शन है नहीं ये PCB ने किस बुनियाद पर ये उन्होंने क्या जी वो जो ऑफिशियली कोई ऑफिशियली उन्होंने ऑफिशियली जो है अपना लिखा है वफाकी हुकूमत को उन्होंने ऑफिशियली लिखा है कि हम लोग ये मैच जो है दुबई में करवाना चाहते हैं यार बहुत डेंजरस बात है हाँ ये बड़ी ज्यादती वाली बात है डेंजरस की बात क्या ये तो बहुत ही बड़ी ज्यादती है मतलब उनको PCB के चेयरमैन उनको पता चल गया है फिर फरवरी में उनको किसने बताया उनको आसिफ अली जरदारी ने बताया है जो उनके अपना अब्बा जी हैं वे इलेक्शन जो है इलेक्शन के दिनों में बहुत जो है गड़बड़ होगी तो इसलिए जो है आप मैचेस जो है उधर ले जाए कई साल की पाबंदी के बाद फिर बतदरीज 1-2-4 मैच करके अब मुकम्मल यहाँ पे लेके आए और फॉरेन प्लेयर्स आ रहे हैं दूसरी टीमें भी आना शुरू हुई हैं न्यूजीलैंड आया है पीछे और 2-3 मुल्क आए हैं तो आप खुद ही अपनी जो लीग है वो उठा के इस बुनियाद पर ले जाएंगे बाहर आगे हालांकि हम होस्ट हैं अपना वो T20 का जो वर्ल्ड कप होना है पाकिस्तान होस्ट है जब अपनी लीग आप उठा के बाहर लेके जा रहे हैं तो T20 तक कहां पे होगी ये ज्यादती कर रहे हैं ये क्रिकेट के साथ बहुत जुल्म कर रहे हैं ये जो जका अशरफ है ये तो आए इसी एजेंडे पे है
ये जैसे इमरान खान को लाया गया था इस मुल्क को तबाह करने के लिए, ज़का अशरफ को लेके लाया गया है क्रिकेट को तबाह करने के लिए, वो क्रिकेट की तबाही है। देखें जी पाकिस्तान में जो है पहले ग्राउंड जो है वो बड़ी मुश्किल से जो है उनको आहिस्ता आहिस्ता वो कोई अभी डिपार्टमेंटल क्रिकेट थी वो अभी जो है वो प्रॉपर तरीके से बहाल नहीं हुई है, क्लब क्रिकेट हमारे ख़त्म हुई हुई है और जो रही से जो थोड़ी बहुत क्रिकेट हो रही है उसको भी बाहर ले जाना चाह रहे हैं, तो ये ज्यादती है। तो ये या तो ये तो या तो ये इसके फितने की वजह से तो नहीं, ये ताहिर कादरी फितना जो है एक नवा फितना जरा अपना इलेक्शन लड़ने का प्रोग्राम बना रहे हैं उसकी वजह से तो नहीं है वो कोई फितनागिरी करेगा? नहीं यार ये और की है, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये तो बड़ी संजीदा बात आपने की, और जिसने भी ये सारा गठबंधन लेके आया है तो बड़ी अच्छी बात है, उसके गुफ्तगु जारी रहनी चाहिए और ये किसी सूरत जो है ना जी PSL जो है ना पाकिस्तान से बाहर नहीं जानी चाहिए। नहीं बिल्कुल नहीं, किसी सूरत इसके लिए आवाज उठाते रहना चाहिए। हाँ आवाज उठाते ना बाहर का, अगर जो प्लेयर नहीं आता ना आए, जो आता है उसको खिला लें, सीधी सी बात है, एडी कड़ी लुट पे ही है। अच्छा चलो ये दसो हूँ फिर अगला हफ्ता बड़ा सरगर्म है, मियाँ साहब की कानूनी रुकावटा दूर होनी जा रही हैं? हाँ खान साहब वो तो अपना कानूनी रुकावटें तो दूर हो रही हैं, उसमें अपना उनकी जो है वो उन्होंने वो जो उनके अलजीजिया जिसमें उनको सजा हुई है अलजीजिया और एक क्या है एक और है एवन फील्ड और अलजीजिया में वो जो अरशद मलिक ने जो इनको सजा दी थी उसके खिलाफ उनका अपील का राइट तो खत्म हो गया हुआ था ना ये जब बाहर चले गए थे और इलाज कराने के लिए वो लगे अपील का जो है राइट उनका बहाल हो गया था, तो अब जो है वो उनकी ये अल्लाह भला करे 21 तारीख को जो है उनकी हाई कोर्ट में अपील लग रही है अपना, उसमें वो दो रुकनी बेंच बने जिसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है जस्टिस आमिर फारूक हैं और उनके साथ जो है वो अपना वो जो गुल औरंगजेब मियाँ जस्टिस मियाँ गुल औरंगजेब साहब ये दोनों जो हैं वो सुनेंगे, तो देखते हैं क्या बनता है। तो मेरा ख्याल है रिलीफ मिल जाएगी क्योंकि आज शहबाज शरीफ को भी रिलीफ मिल गई है, वो शहबाज शरीफ के साथ तो शहबाज शरीफ का तो वो जो था वो क्या था आशियाना केस था क्या था आशियाना केस उसमें जो है अपना चीमा और वो सारे हाँ उसमें अपना हमको सबको जो है बरी कर दिया गया है। अब ये केस अल्लाह भला करे था मेरा ख्याल है कोई 2018 का जब इमरान खान आया था जब ये केस बनाया गया था, अब आप अंदाज़ा करें 2018 से लेके आज क्या हो गया 23 हो गई है कितने 4-5 साल हो गए, 5 साल में उस केस का कुछ भी नहीं हो सका मगर उसकी लस्सी इतनी रिड़की गई पे वो बंदा जोड़ा है उन सड़क पर भी जावे थे लोग कहते हैं अच्छो हुए कोर्ट ने तो बरी कर दिया उसको, उसके साथ जो है उसको वो थे अपना कोई 10 और थे जो उसमें को अक्यूज थे उसमें वो आहा चीमा थे लेकिन बारे उसके करप्शन केस तो सामने ना उसका तो कोई रिजल्ट नहीं आ सका ना, अब ये कह रहे हैं ना मैं कहना ये चाह रहा हूँ पे इमरान खान की गवर्नमेंट थी पूरा टिलका उन्होंने जोर लगा लिया करप्ट ना वो कोर्ट में पिछले 5 सालों में उसको साबित कर सके, अब अगर वो कोर्ट में भरी हो गया है तो अब उसको कहना शुरू कर देंगे जी पे है जड़ी है बाय अरेंजमेंट है बाय डिजाइन है उन्हें नन्नू रिलीफ मिल रही है साढ़े लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है बहन जी है भाई जान उसका तो रिजल्ट नहीं आया लेकिन आशियाना स्कूल का रिजल्ट आ चुका है जी हाँ। हाँ ये आशियाना तो हाउसिंग स्कीम थी ना जो थी जिसमें हाँ वो एक आशियाना वो उन्होंने वही है स्कूल वाला या आशियाना स्कूल वाला स्कैंडल है नहीं 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 और सर हाउसिंग भी है ना उसके साथ हाँ लेकिन आशियाना हाउसिंग स्कीम है वो जो स्कूल बनाए थे हाँ उनके बच्चे माशाल्लाह अभी ग्रेजुएट हो गए हैं वो भी आशियाना थे उनका नाम कुछ और ही था आशियाना ही था श्योर है आप हाँ जी हाँ बस जो भी थे हाँ उसके तो वो अपना वो पीछे शहबाज शरीफ ने उसको बड़ा अपना उनके बच्चों के साथ उनके टाइम स्पेंड किया था और उसमें बड़े अच्छे अच्छे टैलेंटेड बच्चे निकले हैं जो कि बिल्कुल अपना कोई इंजीनियर बना है कोई डॉक्टर बना है कोई अपना हाँ लेक्चरर बना है कोई हाँ तो बहरहाल ये है सूरत हाल अब उनको भी रिलीफ मिल गई है शहबाज शरीफ को भी मिल गई है उनके साथ कोई अक्यूज थे वो आज चीमा भी अब मेरा ख्याल है मिनिस्टर हैं वो क्या नाम है दूसरे फवाद हसन फवाद जो है वो भी अपना तो उनको रिलीफ मिल गई है तो अब नजर यही आता है आगे नवाज शरीफ का भी अगले हफ्ते जो केस लग रहा है उसमें शायद उनको भी शायद रिलीफ मिल जाए तो अगले हफ्ते तो उनका भी तो लग रहा है ना जुडिशियल काउंसिल में किसका मुजाहिर नकवी साहब का उनको भी रिलीफ मिलेगी हैं मुजाहिर नकवी साहब का
सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल वाला है। मजा यार नकवी का मुझे जो है कोई मुश्किल ही लगता है, कोई उनको रिलीफ मिल जाए। अब उसके साथ क्या करेंगे, ये खान साहब मेरा ख्याल है पहली दफा होगा अगर कोई जज के खिलाफ किसी के खिलाफ कार्रवाई जो अगर पहुंची तो तोड़ पहुंचे। मेरा ख्याल तोड़ गया मतलब इससे पहले रेफरेंस जो है अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी सिटिंग जज के जो खिलाफ रेफरेंस आया है वो जो एक स्पॉन्सर्ड जो है एक रेफरेंस आया था काजी फैज ईसा के खिलाफ तो उसमें तो खैर उसमें से कुछ भी नहीं निकला था। वो तो एक इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ भी कुछ नहीं निकला था, किसी के भी कुछ नहीं निकला था। हाँ मगर उनका तो जो है इफ्तिखार चौधरी का केस तो जो है उनका भी रेफरेंस किया था। हाँ मगर वो उस वक्त चीफ जस्टिस बीइंग चीफ जस्टिस उनके होते गया था वो दबड़ गुरु सी ना मतल करता थे फिर भगवान दास थे और ये सारा। हाँ तुझे तो बाहर होने सर लिहाजा उस तरीके से ना रहो। अच्छा नहीं खान साहब फॉलो तो करी था। हाँ तो बहरहाल अब देखते हैं फिर दूसरा एक और केस जो है नेक्स्ट हफ्ते लगना है तो किसका वो परवेज मुशर्रफ का जो है। हाँ उनकी अपील वाला जो है। जी हाँ गुड वो चार रुकनी बेंच है जो परवेज मुशर्रफ वाली जो समाप्त करेगा वो भी इम्पोर्टेंट केस है। उसमें चार रुकनी बेंच में मेरा ख्याल अपनी तकरीर दी जेड़ा भी जलसा कर रहा हुंदा जी ते बाकी कहानी फिर उस तो बाद शुरू हुंदी है। वैसे यार छठ मेंशन था पेशावर में। अच्छा हां कन्वेंशन था जलसा था कन्वेंशन था अभी तो वर्कर अभी जलसे नहीं शुरू कर रहे। अच्छा अभी ये कन्वेंशन अभी जितने हो रहे हैं ना ये डिविजनल सतह पे या शहरों में जाके कन्वेंशन ऊपर क्यों चला गया वर्कर का ये टेक्निकल तो सी देखो तो भारत तो इसके बाद अगले मरने में जो है ना फिर जलसे होंगे। लेकिन उनकी टोन वही है एक ही बस कि लेवल प्लेइंग फील्ड और मियाँ साहब को बड़ा गिला करी जा रहे हैं मियाँ साहब को और उनकी पॉलिसी जो है उनकी तब्दीली को। भाई अगर आपको उनकी वो पॉलिसी जो है पहले वाली पसंद है तो उनका नाम नहीं लेते। भाई अगर मियाँ साहब के किसी से हाथ मना ली है तो उसका भी नाम लगा ना किसी हाथ में लिया है। वो आज जो है वो तकरीर कर रहे थे और अपनी कारकर्दगी बता रहे थे, कह रहे थे जी 18 माह की जो है ना मैं बीइंग अ फॉरेन मिनिस्टर जो है ना इतने मुल्कों में मेरी कारकर्दगी तो बहुत अच्छी रही है और मैं अपनी कारकर्दगी के सर पे वोट लूंगा। मगर उस वक्त के जो मेरे साथी थे जो मेरे साथ कैबिनेट में बैठे थे वो जरा मुझे बताएं कि वो किस कारकर्दगी पे वोट लेंगे। वो उसी कारकर्दगी पे वोट लेंगे जिसपे उन्होंने कहा था कि जी शहबाज शरीफ जो है पीपल्स पार्टी के वजीर आजम है और कराची को शहबाज शरीफ चाहिए। तो वो फिर पूछेंगे जनाब तुम दसो आपने कौन सी कारकर्दगी देखी थी। 18 महीने में तो उनको जो है उनकी कारकर्दगी का कोई पता नहीं चला, बाद में पता चला जाने के बाद जो इन्होंने झूठे झूठे ले लेने पूरे जहाजत इधर उधर पूरी दुनिया फेर ली। जे सर जी मौलाना फजलुर रहमान और मियाँ नवाज शरीफ साहब की मुलाकात क्यों नहीं हो रही। इनकी कोई अपना सुना तो था मियाँ साहब ने फोन तो किया था मुलाकात के लिए। अच्छा हाँ ये तो उनका ऑफिशियली वो बता चुके हैं नून वाले। सही हाँ वो फोन तो कर चुके हैं मेरा ख्याल है। अब उनकी मेरा ख्याल है अगली मुलाकात जो है फजलुर रहमान साहब के साथ ही ड्यू है। अब वो पता नहीं किधर होगी, पेशावर में होगी, इस्लामाबाद में होगी, डी आई खान में होगी, किधर होगी मुलाकात होनी है। सही है मगर है स्ट्रेंज है फिर काफी अपना गैप है देखा ना। हालांकि मौलाना फजलुर रहमान जो है काफ़ी नून का तो उन्होंने बहुत साथ दिया है और वो मौलाना साहब को कोई साइड पे करके और सोलो फ्लाइट दे निकले नहीं मियाँ साहब कोई। देखो जी असल में सिचुएशन ये है ना कि जिधर जिधर जो स्ट्रांग है अब पंजाब में तो मियाँ साहब और नून लीग वादे कह रही है कि जी हमने किसी के साथ इताद नहीं करना और किसी के साथ कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं करनी। तो मौलाना के ने क्या करना पंजाब में अगर उसे कोई नहीं मिलती तो लिहाजा वो के पी पी और बलोचिस्तान में अपर हैंड रखना चाह रहे हैं वो भी अपना यही होएगा। जी हाँ की रखना चाह रहे हैं या की गल्ला हो रही हैं एक कल दसा यार कल तो मैच है फाइनल मैच भी है कल मैच के बाद ही करेंगे। कल मैच तसल्ली से बैठ के देखना है पक्की गल है। हाँ हाँ कुछ ना कुछ जो भी कहोगे वो बना लेंगे। ठीक है
ठीक है, आज तक के लिए इतना ही काफी, कल इंशाल्लाह फ्रेश व्लॉग के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।